ये तो सूरज ढलने से पहले ही पाकिस्तान ढल गया। हे गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्केप विद एमएस। मतलब आज का जो दिन है ना, मतलब तबाही, क्योंकि आज है 14th ऑफ अक्टूबर। हम आए हैं अहमदाबाद फॉर द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। मतलब वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। हमारे साथ वही कुछ सीन हो गया है। हम लोग इस होटल में कल रात को ही आकर चेक इन कर लिए थे, और मेरे साथ इस ट्रिप पे है प्रतीक, यहाँ पे है आलोक, और यहाँ पे बैठा हुआ है जैकी चैन। तो आप सब ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी होगी, उसमें बैचलर ट्रिप पे सब स्पेन जाते हैं। हम इस भाई के बैचलर ट्रिप पे आए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने। मतलब समझ रहे हो पागलपंती भाई, तू अकेला होगा ना जो बैचलर ट्रिप पे मैच देखने आया है। लव फॉर विराट कोहली। बाकी अभी चलते हैं जल्दी स्टेडियम, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। एंड अमंग ऑल दिस बस, जो टिकट को लेकर जो बस थी कि टिकट्स लोगों को नहीं मिल रहा है, थैंकफुली हम लोगों को ऑनलाइन ही टिकट मिल गया है। हम चारों का ऑनलाइन टिकट बुक हो गया है, घर पे भी डिलीवर हो गया बहुत अच्छी से। सो थैंक यू BCCI। तो चलते हैं स्टेडियम और वहीं पर आपको मिलते हैं। चलो जस्ट रीच द स्टेडियम, और क्या ही माहौल है। मतलब क्या ही माहौल है, क्या बताओ। अभी जस्ट अंदर आए हैं एंड बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। तो 12:30 को अरिजीत सिंह का प्रोग्राम भी है, तो जल्दी जल्दी से आते हैं और सीट पे बैठते हैं और आपसे मिलते हैं। जस्ट एंटर द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड। एंड यू वॉन्ट टू नो द रीजन, दिस इज वाई इट इज। द कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम इज 1,30,000। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इंडिया तो यहाँ पे खेलती रहती है, बट पाकिस्तान बिकॉज IPL नहीं खेलती, उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस होगा टू प्ले इन फ्रंट ऑफ दैट बिग क्राउड। तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान सिर्फ क्राउड देख के ही कोलैप्स हो जाए। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज ओपनिंग जो मैच का सेरेमनी है उसमें अरिजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, श्रद्धा कपूर, ये सारे लोग आ रहे हैं। सो स्टेज इज ऑलरेडी सेट, यहाँ पे पाकिस्तान के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड इंडियन पीपल आर समवेयर देयर। बाकी ये स्टेज यहाँ पे लग चुका है, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। गाइस, द सेरेमनी हैज जस्ट स्टार्टेड एंड यहीं पे स्टेज है जहाँ से और कुछ ही पल में अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान भी परफॉर्म करने वाले हैं। एंड जस्ट लुक एट द स्टेडियम, गर्मी बहुत है, बहुत धूप है, इसलिए अभी तक स्टेडियम खचाखच भरा नहीं है, बट इन
1.3 lakh people full. सो गाइज जस्ट केम आउट टू हैव सम फूड. यहाँ पे उन्होंने फूड कोर्ट बनाया है. नॉट ओनली फूड कोर्ट बट यहाँ पे आपको एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे. आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन टू हैव देम इनसाइड द स्टेडियम. और प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें अंदर अलाउ नहीं कर रहे टू मेक श्योर द क्लीनलीनेस इज इंटैक्ट ऑफ द स्टेडियम, क्योंकि बहुत सारे मैचेस भी होने हैं. तो चलते देखते हैं यहाँ पे कुछ. प्राइसेस तो श्योरली बहुत ज़्यादा है, बट कुछ लंच करते हैं एंड अंदर जाते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस सारे ख़त्म हो चुका है एंड कुछ ही देर में टॉस होने वाला है. तो अंदर जाते हैं और सीट में बैठ जाते हैं. सो गाइज माहौल पूरा सेट हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं. पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड नाउ वी कैन सी इंडियन प्लेयर्स भी आ चुके हैं फील्ड पे प्रैक्टिस करने के लिए. और स्टेडियम आप देख सकते हैं, इट इज पैक फुल. फिर भी अभी भी कुछ सीट्स खाली है बिकॉज बहुत गर्मी है एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है. बट इन एन आवर टाइम इट वुड बी अ सी ऑफ ब्लू. सो गाइस फाइनली टॉस हो चुका है एंड इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग किया है. ब्रेकिंग न्यूज़, गिल इज़ बैक. सो आई वाज होपिंग कि वो फर्स्ट बैटिंग करते हैं, 200 लगाते हैं क्योंकि ये उनका फेवरेट ग्राउंड है. बट नेवरदिलेस वी वांट इंडिया टू विन. गाइस 5 ओवर हो चुके हैं और स्कोर पे लग चुका है 23 रन पाकिस्तान के. प्रेशर हो गया है. बूम बूम या फिर मियां भाई को एक विकेट जल्द से जल्द निकालना होगा. अभी माहौल स्टेडियम का, सब पूरे जोश में वेट कर रहे हैं पहले विकेट का.
इमाम उल हक इज बैक टू द पैविलियन। टू ने दूसरे बॉल पे रिजवान का विकेट ले लिया है, लेकिन शायद से रिजवान ने DRS लिया है। लेट सी डिसीजन क्या होता है। स्टंप्स मिसिंग। भाई साहब रिजवान 49 रन बनाकर आउट। बूम बूम बुमराह ने बोल्ड कर दिया है। ओ भाई साहब व्हाट अ परफॉर्मेंस। ये तो सूरज ढलने से पहले ही पाकिस्तान ढल गया। मतलब जब बाबर एंड रिजवान खेल रहे थे लग नहीं रहा था कि 300 के नीचे ये रुकेगी, बट बुमराह जडेजा एंड कुलदीप व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब सेकेंड इनिंग्स अभी बाकी है। फॉर श्योर क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम प्रिटी श्योर इट्स गोइंग टू बी 8-0। लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड इनिंग्स। पहले बैटिंग कर लेते तो हो सकता है 200 गिल खुद भी बना लेता, ये तो 200 भी नहीं पहुँच पाए। तो चलो अंदर चलते हैं, अभी सेकेंड इनिंग्स देखते हैं। होपफुली इंडिया विंस बाय 10 विकेट्स।
रोहित शर्मा के 50 रन पूरे हो गए। भाई मुझे तो लगता है रोहित शर्मा हमारी दर्द को समझ के कितनी गर्मी में हम लोग कैसे मैच देख रहे हैं, मैच को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। व्हाट क्लीन हिटिंग, मतलब आंखों के सामने ऐसा क्लीन हिटिंग देख रहे हैं, उसी में मज़ा आ रहा है। एंड बाकी स्टेडियम का आप देखिए, क्या ही सुंदर लग रही है स्टेडियम रात को, है ना। कंप्लीट ब्लू, गाइस फाइनली डन विद द मैच एंड व्हाट अ डे फॉर इंडियन क्रिकेट। मतलब हाँ, रोहित शर्मा का सेंचुरी मिस हो गया, बट इंडियन विन वाज दैट कन्विंसिंग कि मतलब और क्या बोले। एज अ इंडियन फैन आपको और क्या चाहिए, मतलब इन वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच देखना, इट्स बीइंग अ ड्रीम कम ट्रू। शायद से ये मेरी जिंदगी का वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे होगा, बट देन इंडियाज विन एंड ऑफिशियली इट्स 8-0 नाउ। तो चलते हैं फिर, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड वन प्रो टिप, अगर आप अहमदाबाद किसी दूसरे मैच में आ रहे हो तो वैसे हड़बड़ी करके आने का कोई ज़रूरत नहीं है। द स्टेडियम इज़ ह्यूज, द एंट्रेंसेस आर वेरी ह्यूज, मतलब आप 15 से 20 मिनट में आप अंदर चले जाओगे, तो आराम से टाइम लेकर आ सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, टिल देन
कीप एस्केपिंग। It's the